मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि कॉफी विद करण का ऐसा एपिसोड मैं बताना चाहता हूं कि कंगना के बाद आज तक नहीं देखा। वो कहते हैं ना कि कंबल को भिगोकर सामने वाले के ऊपर डाला गया और उसे दे दनादन दे दनादन दे दनादन किया गया। वो करण जौहर जो कि अक्सर अपनी कॉफी में सामने वाले को कुछ ना कुछ ऐसा पिलाकर जाते थे कि वो जो है या तो ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड या फिर एक हास्य का पात्र बन जाता था, आज करण जौहर खुद बढ़िया तरीके से उस रोस्टिंग का एक पार्ट बन गए हैं। स्वागत है चैनल डेली खजाना में। आ गया है यार का यार होस्ट राहुल बोस। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कॉफी विद करण का ये एपिसोड मैं कहता हूं धमाकेदार था। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कॉफी विद करण, सारे एपिसोड्स जितने भी हैं, बट आई जस्ट वॉच फॉर ओनली फॉर दी जितने सेलिब्रिटीज होते हैं इन लोगों के लिए। अब ऐसे में स्पेशल सेलिब्रिटीज स्पेशली मैं देखता हूं। अगर बात करें तो ये जो है 7 सीजन चल रहा है और इसमें करण जौहर के सामने है हमारे लाल सिंह चड्ढा, जिनकी 11 तारीख को फिल्म आने वाली है। करण जौहर के सामने लाल सिंह चड्ढा एक तरफ है यानी कि आमिर साहब है, और दूसरी तरफ है करीना कपूर। पूरे इस एपिसोड को देखने के बाद मैं इतना कहना चाहता हूं, आमिर खान नेल्ड इट। जो उन्होंने भिगो भिगो कर मारा है ना भाई, क्या बताऊं। क्या करीना कपूर ले लीजिए, क्या करण जौहर ले लीजिए, मैं तो हैरान परेशान कि भैया ये चल क्या रहा है, कहीं ये कंगना रनौत का एक सॉफ्ट पोलाइट वर्जन तो नहीं। कंगना का एपिसोड हमने देखा था दोस्तों, उस एपिसोड की बात ही निराली थी। कंगना तो फुल ऑन चार्ज, एकदम दे दनादन बैक टू बैक फायर कर रही थी। यहां पर आमिर खान साहब भी कर रहे थे, बट वो एक ह्यूमरस वे में कर रहे थे। जी हाँ, आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक, ऑनेस्ट रिव्यू बताता हूं पूरे एपिसोड को देखने के बाद। मैं सिर्फ और सिर्फ देखता रह गया कि कैसे करण जौहर साहब जो है वो एकदम से ह्यूमिलिएटेड फील होने लग गए थे। मतलब कि कंगना रनौत की अगर बात करें तो वो तो सीधा डायरेक्ट बोलती है, हमने देखा था। आमिर साहब यहाँ पे हंसी हंसी में करण जौहर को बोल गए, भैया तुम K3G जैसी क्या फिल्म बनाए हो। करण जौहर ये अपने शो में कोई भी बुलाता है और किसी ना किसी को इंसल्टेड या ह्यूमिलेटेड फील होता ही होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि करण जौहर के शो में कंगना रनौत का भी नाम न लेते हुए भी उनकी बातचीत हुई है। जी हाँ, जहां पे करण जौहर यहाँ पे हिंट देते कि आप कहीं वो वाला वो पार्टी को तो नहीं ज्वाइन कर रहे जिन्होंने जो मतलब शो में जो मुझे पहली बार जिसने रोस्ट किया था, जो मेरे पर चार्जअप हुए थे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर एपिसोड में बहुत से ऐसे पोर्शन आते हैं। सबसे पहले तो जब आमिर साहब कुर्ते में आते हैं दोस्तों, एंड इट फील सो कनेक्टेड, सो हम्बल्ड, ऐसा लगा कि यार देखो बंदा जो करोड़ों कमा रहा है, 75 करोड़ में राइट्स खरीद के लाल सिंह चड्ढा बना रहा है, ये नॉर्मल कुर्ता पजामा में भैया वाह गजब। और करण जौहर आते ही जो है उनकी शो में बोलने लग जाते हैं कि आपको पता नहीं कि शो में ये है वो है। लेकिन यहां पर है ना, अगर आपने आमिर साहब को नोटिस किया होगा दोस्तों, तो आमिर साहब ने बोला कि भाई मैं हूं, मैं फैशन अपडेट नहीं रहता हूं, मैं जो है एकदम सिंपल लाइफ रहती है, मैं जो है ज्यादा शूशाबाजी नहीं करता हूं। और एक्चुअल में वो वैसे ही है, उनके सारे चीजें आप देख लीजिए, आप उनके फैशन सेंस देख लीजिए और उनको स्पॉटेड वीडियो में देख लीजिए, वो वही वैसे ही दिखते हैं। तो यहां पर आमिर साहब ने तो ऐसे लगा जैसे कि अपने आप को पूरा ओपन करके रख दिया कि भाई लो देख लो, दिस इज मी, और आप लोग मुझे उस चीज को लेकर जज नहीं कर सकते। करीना कपूर ने काफी कुछ बातें बोली, लेकिन कुछ बातें मुझे बड़ी अजीब सी साउंड की गई, क्वाइट डम्ब एक्चुअली। पार्टी में क्या करने का, पार्टी में बात करने का, दारू पीने का, शॉर्ट वर्ड लगाने का और मस्त डांस करने का, करीना कपूर का ये कहना था दोस्तों। यहाँ पर पार्टी का भी डिस्कशन हुआ था, बॉलीवुड की पार्टीज को लेकर। अब आमिर ने बोला भाई इतना लाउड म्यूजिक होता है कि हम लोग बात ही नहीं कर पाते हैं, वो सामने वाला, मैं बात देख रहा था सामने वाले की गले की नस दिख रही थी कि वो इतनी तेज चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा है, तो इससे बढ़िया कि मैं कोने में रहता हूँ पार्टी में, राइट। यहाँ पे करण जौहर के ऊपर बैक टू बैक उन्होंने पंच मारे, K3G को बेकार बोला, सिर्फ मुझे वो पू वाला पोर्शन अच्छा लगा था, और ये बात मैंने करीना को भी बोली थी। और साथ ही साथ यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि मैं नहीं देखी, बस हाँ कुछ कुछ होता है मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी, कुछ कुछ होता है मैंने देखी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं तो आमिर खान साहब ने बड़े ही प्यार से बोला, मतलब बार बार वो बोलते सी आज ये जो है ये अलग जगह जा रहा है, ये हमें पकड़ ही नहीं पा रहा, आज ये अलग जगह जा रहा है। देखिएगा एपिसोड क्या जबरदस्त है, आपको लिटरली मजा आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वो जो कड़वी कॉफी पीने का वो होता है, करण जौहर अपने शो में बुलाते हैं और सेलिब्स को कड़वी कॉफी पिलाते हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे आमिर खान साहब वो कड़वी कॉफी जो है उनको बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बहुत ही फनी वे में पिला रहे हैं। मुझे एक्चुअल में कंगना के एपिसोड की याद आ गई थी, क्योंकि कंगना ही ऐसे
बैक टू बैक टारगेट कर रही थी करण जौहर पर, बट करण जौहर को वो यू नो एक थोड़ा सा हार्श वे था लगा होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही पोलाइट वे में करण जौहर वो कहते हैं कह के ले लेना, ये वैसे ही सिस्टम लगा। आमिर खान साहब एज यूजुअल एट हिज बेस्ट, रैपिड फायर जीत गए वो, उसके बाद लास्ट का वो राउंड थोड़ा हार गए जस्ट बिकॉज करीना हैज अ गुड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वो बहुत क्विक थी उस राउंड में अगर आपने नोटिस किया होगा। और काफ़ी सारी चीज़ें आमिर खान जी ने बोली, जैसे उनको मलाल है कि यू नो वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए इतने सालों से, लेकिन अब उन्होंने वो सारी चीज़ें सुधार ली हैं और बहुत बहुत सारी चीज़ें। सो यस दोस्तों, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉफ़ी विद करण का ये एपिसोड, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना। मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।